सुभाष नगर पूरा कंप्लीट बसा हुआ, विज्ञान नगर पूरा कंप्लीट बसा हुआ, आदर्श नगर पूरा कंप्लीट बसा। कितनी आबादी है इसमें, तो डिमांड है कि और आप लाइसेंस दो इस रूट पर। और मैं तो आप जो अभी प्रपोज करी थी तीन रूट, ये जो आपने ये कहा है, ये यहाँ रामगढ़ थाना आ गया आपका, ठीक है ना। इस रामगढ़ थाने से एक रोड यहाँ बनी हुई है, एग्जिस्टिंग है, यहाँ तक ही है, उसको आपने इस रोड को पूरा अंदर तक ले जा करके और सड़कें बनाकर, एक नई सड़क ये बनाई, एक नई सड़क ये बनाई, और ये पूरा सर्किल हो गया। तो इस कंप्लीट आबादी के लिए एक नया रूट आप यहाँ तक तो आपका रूट है, ये रूट आप इसको बढ़ा करके यहाँ से करके वाया वापस, जैसे आपने ये जंक्शन बनाया ना, वैसे आप ये जंक्शन को बना दो। ये तो आपने कहा है, ये सुभाष नगर चौराहे से तारागढ़ रोड और तारागढ़ रोड से रामगढ़ थाने से होते हुए, रामगढ़ थाने से दाई और मुड़ते हुए है ना, नई रोड पर ये कौन सा वो है, हम जब जाएंगे ना ये पूरा नया रोड है, उसको आप एक बार इसको तो लाइसेंस बढ़ाइए इस पे, ठीक है ना। इसको कम से कम 15 कर दीजिए, 10 का ऑफर। ये माकोपुरा है, यहीं से ये रूट यहाँ तक के ये घुमा दिया इन्होंने, एक रूट पे इन्होंने ये घुमा दिया, एक रूट यहीं से स्टार्ट होकर के ये जाकर के सीधा यू, और ये हमारा अजय नगर थाना से ये टर्न हो जाएगा इधर, ये अजय नगर के लिए एक रूट ये जा रहे हैं, यही है ना आपका। टीएमसी की मीटिंग में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, शहर की सारी दूसरे जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हुई। उसमें एक तो टेम्पो वालों के टेम्पो स्टैंड, हालांकि विभाग ने अपनी जगह लगाया है, लेकिन ई रिक्शा भी बढ़े हैं, उनका जनसंख्या के आधार पर टेम्पो की संख्या निर्धारित हो, और हर एक का रूट अब चूँकि बाहर काफ़ी सड़कें बन गई हैं, लोग भी बस गए, हर एक को ये सुविधा मिले, इसके लिए इनके रूट में भी पुनर्विचार किया जाए। और कई रूटों पे भी चर्चा हुई, जिसको हमने इनको ऐसे 10-12 रूट थे इनको सुझाव दिया है, उनमें से अगले सप्ताह भर के अंदर जो वायबल रूट्स हैं इसकी समीक्षा करेंगे, उस आधार पर ये शहर में उन रूटों पर भी अपने को वाहनों की व्यवस्था, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसकी व्यवस्था विभाग करेगा। और पर्टिकुलर आगरा गेट तक, रेलवे स्टेशन, और साथ में ये जो नई सड़क बनी है जहाँ राम प्रसाद घाट है बारादरी का, यहाँ पर यातायात अवरुद्ध होता है, इनको ठीक करने के लिए हमने इनको निर्देश दिए हैं। और एलिवेटर रोड का सुझाव आया कि इसका समस्या का समाधान एलिवेटर रोड से, उसमें टीएमसी के मिनट्स में हमने ले लिया, इसका प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजेंगे। और विशेष रूप से स्कूल की चर्चाएं हुई कि जिनके पास वाहन है वे सड़क पे ही बच्चों को छोड़ देते हैं और बच्चों को वहाँ से लेते हैं, इसलिए ट्रैफिक भी अवरुद्ध होता है, बच्चों के जीवन के साथ भी समस्याएं खड़ी होती हैं, इसलिए सारे स्कूलों को हमने का निर्देश दिए जाएँ कि यह बच्चों को बैठाना और बच्चों को छोड़ना यह स्कूल की बाउंड्री के अंदर हो, और इसको व्यवस्थित करने के लिए अभी एक नोटिस जारी किया जाए, उसका जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बाल वाहनी समिति की बैठक भी हो, इस मुद्दे पर चर्चा। वो 15 दिन वाला साधन लोगों को मिले इसलिए बैठे हैं, दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको सार्वजनिक यातायात के साधन मिल जाए, समय भी मिल जाए, अच्छी फ्रिक्वेंसी भी मिल जाए, और जाम से भी लोगों को निजात मिले, इस नाते से आज की बैठक आई है, ठीक है। जिसमें बहुत अच्छे सुझाव हमने विभाग के अधिकारी को दिए हैं, नए रूट खोलने के लिए भी उनको प्रस्ताव दिए, तो आने वाले समय में जो नए उनमें भी सार्वजनिक दिक्कत की जो दिक्कत चलाई जाएगी, ताकि लोगों को अपनी सुविधाओं अनुसार एक मैडम जो रेलवे स्टेशन और कचहरी रोड का लगातार दबाव रहता है, इसको लेकर नहीं, रेलवे स्टेशन पर जितने एग्जिस्टिंग वाहन हैं वो
ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए।